बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन को पूरे देश में बेहद सम्मान दिया जाता है। अमिताभ के साथ करोड़ों लोगों का प्यार और दुआएं हैं। इस बात का सबूत है उनके घर के बाहर हजारों लाखों की वो भीड़ जो हर संडे को उन्हें देखने के लिए पहुंचती है। उनकी एक झलक पाने के लिए अक्सर सड़कों पर भीड़ लग जाती है। विदेशों में भी बिग बी की ऐसी ही फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब एक्टर ने एक अपना किस्सा शेयर किया तो ऐसे में उनके जो फैंस हैं उन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अमिताभ बच्चन से बदतमीजी कर सकता है? ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन सच तो ये है कि बिग बी के साथ भी किसी ने ऐसे ही बेरुखी से बात की। ये किस्सा खुद अमिताभ बच्चन ने शेयर किया कि लंदन में कैसे एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की। कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हुए एक्टर ने ना सिर्फ वो किस्सा याद किया बल्कि नेशनल टेलीविजन पर यह भी बताया कि उन्होंने अपने साथ हुई बदतमीजी का जवाब कैसे दिया। दरअसल शो पर अमिताभ बच्चन से एक कंटेस्टेंट ने सवाल किया कि आप भी शॉपिंग करते हुए क्या चीजों का प्राइस टैग चेक करते हैं? इस सवाल के साथ ही एक्टर को वो पुरानी बात याद आ गई जिसमें उन्होंने दुकानदार को औकात दिखा दी थी। अमिताभ बच्चन ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, प्राइस टैग देखना तो नेचुरल सी चीज है। इसके बाद अपना किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक बार वो बस यूं ही शॉपिंग कर रहे थे। दरअसल वो लंदन में थे और वहां उनकी नजर एक टाई पर पड़ी। इस टाई को वो देख ही रहे थे तभी दुकानदार ने बेहद घटिया टोन में उन्हें कहा, इसकी कीमत 120 पाउंड है। उसकी टोन से ऐसा लग रहा था जैसे एक्टर इस टाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने एक झटके में उस दुकानदार को बता दिया कि आखिर वो है कौन। अमिताभ बच्चन ने उस दुकानदार की बदतमीजी का ना सिर्फ जवाब दिया, उसे कहा कि एक काम करो, ऐसी 10 टाई पैक कर दो। बिग बी ने यह भी कहा कि इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय स्पिरिट और कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाना कितना ज़रूरी होता है। हमें कई बार ये साबित करना पड़ता है, आप हमें हल्के में नहीं ले सकते और हम किसी से कम नहीं। यानी कि बिग बी ने एक झटके में उस दुकानदार को सबक सिखा दिया। आपको बता दें, अपने शो पर अमिताभ बच्चन आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ लंदन में ये जो बदतमीजी हुई, दुकानदार ने जिस टोन में उनके साथ बात की, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने उस दुकानदार को जिस तरीके से उसकी औकात दिखा दी, उस पर भी जो भी कहना चाहें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।